नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक्निकल एनालिसिस। तो आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के लेवल के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं पीछे 4-5 दिन अवेलेबल नहीं था, सो मैं चंडीगढ़ और हरियाणा में कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था, जो पर्सनल ट्रेनिंग थी, तो इसलिए मैं जो है वीडियो नहीं बना पाया। तो आज हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ। तो ये देखिए, जैसा परसों इसने जो लो बनाया था बैंक निफ्टी ने 31,243 का, और 31,243 के पिछले दिन का जो लो था वो लो था 31,205 था। तो इसमें हमारा क्लियर कट एक व्यू था कि 31,205 के नीचे जैसे ही अगर ये ट्रेड करेगा तो हमको इसमें 150 से 200 पॉइंट के लिए इसमें ट्रेड करना था। तो एक्चुअली वही हुआ और हमको यहां पर हमने कम से कम 110-115 पॉइंट हमने अपने क्लाइंट्स वगैरह को बुक करा दिए थे। तो ये देखिए, जो बैंक निफ्टी है इसका जो हाई लेवल जो अभी है 31,500 के लेवल पर ये जो है रेजिस्टेंस ले रहा है। तो 31,500 के लेवल पर इसने जो है परसों जो है एक हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल बनाई थी और उसके बाद फिर जो है आज इसने नीचे की मूवमेंट दे दी। तो अब इसमें हमारा कल का प्लान रहेगा, अगर तो ये कल का लो ब्रेक करता है, आज का लो ब्रेक करता है, तो हम इसमें जो है 31,000 के लेवल के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ध्यान रहे 31,000 के बाद इसमें फिर दोबारा बाइंग आ सकती है, तो इस 31,000 के बाद इसमें शॉर्ट पोजीशन ना बनाए। तो आइए हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में जो स्टॉक ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला हमारा जो स्टॉक है दैट इज एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ये देखिए, ये मैंने एक ऊपर रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ है और एक ये नीचे, ये देखिए जो इसने यहाँ पर हाई एक बनाया था, हाई बनाने के बाद यहाँ पे नीचे गया, उसके बाद फिर इस लेवल पे सस्टेन किया, उसके बाद इसने लेवल ब्रेक किया, उसके बाद फिर इस लेवल पे सस्टेन किया। तो ये हमारा एक जो है पहले रेजिस्टेंस लाइन था और अब ये जाके सपोर्ट लाइन हो गया। तो अब ये देखिए एक्सिस बैंक जो है इसी लेवल पर जो है सस्टेन कर रहा है, तो अब ये जो है हायर हाई के फॉर्मेशन बना रहा है, बट अब यहां पर जाके इसने 750 के नियर अबाउट अब यहां पर रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया है। ये देखिए ये जो मैंने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है 750 पर ही ये यहां पर 5-6 दिन सस्टेन करता रहा, उसके बाद फिर ये नीचे आ गया, उसके बाद फिर यहां से इस ट्रेंड लाइन से इसको एक सपोर्ट मिला, एक ट्रेंड लाइन है और एक ये नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो मेरी स्ट्रेटेजी में अक्सर यही रहता है कि जहां पर हमको डबल कंफर्मेशन मिले या 2 से ज्यादा कंफर्मेशन हो जाए। ये देखिए अगर हमने यहां पर सौदा बनाना होता, जैसे मैंने शायद आप पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सिस बैंक को यहां से उठना है तो सबसे सही जगह पे ये है, क्योंकि यहां पर एक देखिए, ध्यान से देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक ये देखिए, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन का यहां पर सपोर्ट था, सेकेंड जो है यहां पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, ठीक है। तो ये 2 सपोर्ट मतलब इसको मिलने थे, इसलिए एक्सिस बैंक ने यहां से बाउंस बैक किया। बाउंस बैक करने के बाद फिर जो है पिछला प्रीवियस जो हाई था 750 रुपए का, ये उसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद फिर उसी जो है उसी फ्लो में अब नीचे आ रहा है। अब हमको जो है हमारा जो है कल का जो ट्रेडिंग प्लान रहेगा वो अगर ये आज के लो को ब्रेक करता है, आज के लो को ब्रेक करता है मतलब 727.50 को ट्रेड करता है, तो इसमें जो है ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं या फिर ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, ये यहां पर कहीं जाके ये सपोर्ट ले सकता है। अगर तो इसको यहां से कल का अगर ये आज का हाई तोड़ता है 740 रुपए, तब हम इसमें जो है 750 रुपए के लिए ट्रेड बना सकते हैं। ध्यान रहे हमको जब भी इस ट्रेंड लाइन पर मिले या फिर इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर मिले, अगर हमको पोजीशन बनानी है तो हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के इसमें जो है नियर अबाउट 50 रुपए हम इसमें कमा सकते हैं, पोजिशनल वालों के लिए कह रहा हूं। और इंट्राडे वालों के लिए आज का हाई लोगों के ऊपर ध्यान दें, अगर आज का हाई तोड़ता है 740 रुपए तो 10 रुपए के लिए 750 रुपए के लिए ट्रेड ले अपना टारगेट होगा, और लो जो है 727.50 का तोड़ता है तो इसमें जो है टारगेट हमारा 726 रुपए का होगा। नेक्स्ट हमारा जो है बैंक ऑफ इंडिया है, तो बैंक ऑफ इंडिया भी जो है ये एक जो ये देखिए मैंने ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा व्हाइट कलर में है, और नीचे भी मैंने येलो कलर में जो है एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है। तो ये जो है एक चैनल में चल रहा है, चैनल शायद आप जानते होंगे, चैनल ये होता है कि एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर जब स्टॉक की मूवमेंट होती है तो उसको हम चैनल बोलते हैं। वो चैनल इस ऐसे भी हो सकता है जैसे मैं ड्रॉ कर रहा है, वो चैनल ऐसे ऊपर की तरफ भी हो सकता है जैसे मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये ऊपर से ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, तो ये भी चैनल हो सकता है, या फिर नीचे से ऊपर की तरफ चैनल हो सकता है। ये चैनल जो है ये
अप ट्रेंड में बनते हैं और डाउन ट्रेंड में होते हैं और साइडवेज मार्केट में होते हैं। और जो ये है, सबसे ज्यादा हमको जो बेनिफिट होता है वो साइडवेज मार्केट में चैनल के थ्रू हम बना सकते हैं। तो जो मैं बातें बोलता हूँ उसका जो आप ध्यान से सुना करिए, ये चैनल जो है, चैनल में हम सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है बनाते हैं जो साइडवेज मार्केट होती है। अब ये देखिए, यहाँ पर 103 रुपए से इसने ये नीचे आया, ठीक है, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे। अब यहाँ पर जो हमारा डबल टॉप बन गया था, ये जो, हाँ मैं अब माउस लेके जा रहा हूँ, कर्सर लेके जा रहा हूँ, उस चीज को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए डबल टॉप बन गया था। जब ये डबल टॉप बना उसके बाद फिर ये इसी लेवल को ये टेस्ट किया। अब जब इस लेवल को इसने टेस्ट किया तो ये देखिए 1 2 3, अब इसका मतलब हमने इस यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दी। और नीचे जो हमारे ये डबल टॉप डबल बॉटम बना था, इसको जो है हमने नीचे एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये देखिए कंटिन्यू ये जो है 102 पे जाता है, 102 के बाद फिर 90 से फिर बाउंस बैक लेता है, फिर 102 पे जाता है, फिर जो है यहां पर इसने जो है नीचे की तरफ तो गया, बट ये जो क्लोजिंग जो है इसके देखिए लो लगा 91 रुपीज का, बट इसने क्लोजिंग जो है इसने फिर अपने लेवल पर ही आके दे दी, 90 रुपए के नियर अबाउट क्लोजिंग दे दी। उसके बाद फिर जो है इस लेवल पर सस्टेन करता रहा, तो हमको यहां पर जो है ट्रेंड लाइन मिल गई। हमने यहां से दो लोअर लो मिला दिए, जिससे हमको एक लोअर हाई, सॉरी लोअर हाई मिला है और हमको एक ट्रेंड लाइन मिल गई। तो देखिए ट्रेंड, उसके बाद फिर जो है ये स्टॉक, मैं इसमें आपको साथ के साथ जो है स्टॉक की तो एनालिसिस बता भी रहा हूँ और साथ में इसमें आपको जो है मैं टेक्निकल एनालिसिस भी बताता रहता हूँ साथ के साथ। तो जो है चार्ट को ध्यान से देखा करिए और बात को ध्यान से सुना करिए। तो ये देखिए यहां पर जब ये स्टॉक पहुंचा है नियर अबाउट 103 रुपए पर, तो इसने देखिए ये जो एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जिसको, हाँ ये देखिए बिरिस कैंड स्टैक ये पैटर्न एक यहाँ पर बनाया है, सेकंड जो है यहाँ पर बनाया है। तो ये देखिए ये हमको एक कंफर्मेशन मिल जाती है, सेकंड कंफर्मेशन ये है हमारी, ये देखिए क्योंकि ये हमारे बिल्कुल रेजिस्टेंस पे है, तो ये हमारी डबल मल्टी कंफर्मेशन रहती है। उसका स्टॉक ने देखिए सीधा यहाँ पर जो है अपना जो हमने नीचे सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है वहां पर इसको टेस्ट किया और ये सेकंड जो है हमारे इसको ट्रेंड लाइन को जो है टच किया। तो अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास मल्टी कन्फर्मेशन है, ये एक हैंगिंग मैन जो है, हम इसको बटरफ्लाई कैंडल भी कह सकते हैं। तो जब इस तरह की कैंडल सपोर्ट पर हमको मिलती है तो उसमें 90% चांस जो है स्टॉक के ऊपर जाने के होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भी हुआ, जब हमारा मल्टी कन्फर्मेशन यहाँ पर जो है हमारा कन्फर्म हुआ, तो उसके बाद इसने यहाँ पर एक बटरफ्लाई टाइप की कैंडल बनाई और उसके बाद फिर जो है ये स्टॉक देखिए फिर जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल को जो है टेस्ट किया। रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करने के बाद अब ये देखिए स्टॉक जो है अब फिर यहीं पर सस्टेन कर रहा है। तो अब इसमें जो हमारा ट्रेडिंग प्लान जो रहेगा, अगर ये 98 का लेवल ब्रेक करता है तो इसमें ये ध्यान रखिए 98 का लेवल ब्रेक करता है तो ये जो है 90 पहला टारगेट इसमें हमारा जो है 94 रुपीज का होगा और सेकंड जो है हमारा ये जो है हमने सपोर्ट लाइन जो ड्रॉ करके रखी हुई है ये होगा। तो जो मैं आपको बातें बताता हूँ उसमें जो है मैं आपको चार्ट के एनालिसिस तो करके बताता बताता हूँ, प्लस मैं आपको उसमें टेक्निकल एनालिसिस भी साथ के साथ समझाता हूँ। मेरी पूरी सीरीज आने वाली है टेक्निकल एनालिसिस की, उसमें मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो शायद आपको को किसी यूट्यूबर ने नहीं बताई होंगी, और जो बताई भी होंगी वो सारी पेड होंगी, जो कोर्स वगैरह सब लेकर आते हैं उस पेड में जो बताते हैं मैं आपको यहाँ पर वो चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा। और जो हमारा जो पेड जो कोर्स है वो तो औसम है, उसकी तो मैं अभी जो है चर्चा नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद में बताऊंगा उसके बारे में। तो इसमें हमारा जो इंट्राडे की बात नहीं करूंगा मैं, इसे यहाँ पर पोजीशन की बात करूंगा। तो अगर ये 98 का लेवल ब्रेक करता है तो इसमें 94 के लिए इसमें ट्रेड पहला टारगेट होगा और सेकंड जो है हमारा होगा 90 रुपीज का और थर्ड जो है हमारा जो उसी फ्लो में अगर चला आ गया तो 86 रुपीज का टारगेट होगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पे नजर बना के रखिए। नेक्स्ट हमारा जो है फेडरल बैंक है, तो फेडरल बैंक ये देखिए ये जो मैं सॉरी मैं इसको जो है मोटा कर देता हूँ आपको जो अच्छे से दिखाई देगा। ये देखिए यहां से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, हमने देखिए हमको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको नियर अबाउट टू हायर लो वगैरह चाहिए होते हैं या टू हायर हाई चाहिए होते हैं। तो ये देखिए हमने यहां पर यहां तक हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, मैं आपको जो है अच्छे समझा देता हूँ। ये देखिए मान लीजिए हमारा स्टॉक यहां से मुड़ा था तो हमने यहां तक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, उसके बाद हमने इसी को हमने आगे बढ़ा दिया। तो ये देखिए हमको ये अगला जो है रेजिस्टेंस मिल गया। तो आप यहां पर भी देख सकते हैं जो मेरी स्ट्रेटजीज वगैरह होती हैं मल्टी कन्फर्मेशन, यहां पर ही देखिए आप यहां पर एक जो है मैंने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ, सॉरी
यहाँ पर एक मैंने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की हुई है और ऊपर से एक रेजिस्टेंस जो है ये देखिए ट्रेंड लाइन का हमको मिल रहा है। तो इसमें हमारे 90% जो हमारे जो चांस हो जा रहे हैं ये स्टॉक के नीचे जाने के हो रहे हैं। ये देखिए नीचे जो है मैंने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है। तो पोजीशन वालों के लिए मैं बता रहा हूं, अगर ये 87 रुपीज का लेवल तोड़ता है, 87 मेरा लेवल जो है ध्यान से सुन लिया करिए, 87 रुपीज का जो है लेवल तोड़ता है तो इसमें हमारा जो है फर्स्ट टारगेट जो है वो रहेगा हमारा 83 रुपीज का। इसका लॉट साइज बड़ा होता है तो इसको जरा अपना ध्यान से ट्रेडिंग करिएगा और इंट्राडे भी इसमें कर सकते हैं, ये सेम रहेगा। 87 के नीचे अगर ये ब्रेक करता है तो इंट्राडे वाले 87 को जो है 85 पे 2 रुपये लेके इसमें जो है निकल जाइए। 2 रुपये भी भाई साहब इसमें 2 से 2.5% हो जाता है, 2-2.5% बहुत होता है। तो इसमें हमारा जो है हम इसमें फुल बेरिश हैं, इसमें हम बुलिश कोई नहीं है। इसमें हम बुलिश तब होंगे जब ये स्टॉक हमारा 90 रुपीज के ऊपर इस ट्रेड करेगा, मतलब ये जो रेजिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है और ट्रेंड लाइन, इन दोनों को तोड़ के जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर आने के बाद जब ये फिर रीटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा और यहां पर जाके एक ये हैमर टाइप की कैंडल बनाता है, उसके बाद फिर हम इसमें बाइंग पोजिशन लेंगे, अदरवाइज हम इसमें सेल पोजिशन लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है एच डी एफ सी बैंक, मैं ये जो है बीच में मैंने ये जो लगा रखे है इसको मैं डिलीट कर देता हूं तो आपको अच्छे से पिक्चर क्लियर होगी। तो ये देखिए मैं इसको भी डिलीट कर देता हूं। यहां देखिए ये पिछला जो है इसने एक हाई बनाया था 23 सितंबर को, इसने हाई जो बनाया था 1282.70 रुपए का बनाया था। उसके बाद हमने यहां पर देखिए, यहां पर ये देखिए स्टॉक यहां पर जो है सपोर्ट ले रहा था, इसी सपोर्ट लाइन को हमने आगे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसी सपोर्ट को लेकर ये यहां से बाउंस बैक कर गया, बाउंस बैक करने के बाद फिर जो है हायर हाई बनाता हुआ ये जो है अब अपने डे बिल्कुल अपना जो है 52 वीक हाई कह सकते हैं हम, क्योंकि ये तो स्टॉक भी स्प्रेड हुआ था तो 1 वीक हाई हम कह सकते, 1 मंथ हाई कह सकते हैं। तो अब ये जो है 1282 का लेवल भी इसने क्रॉस किया बट ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी। यहां पर इस दिन जो है इसने क्लोजिंग जो है दी भी थी 1283.25 रुपए पर, बट मैंने यहां पर अपने टेलीग्राम चैनल पर 1285 रुपए के ऊपर 1285 के ऊपर मैंने इसको बताया था लेने के लिए, बट इसने 1285 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। इसने क्लोजिंग तो दी थी वो 1283 पर दी थी, तो उसमें हमारा जो है स्टॉक एक्टिव नहीं हुआ। तो इसमें अब मेरा क्लियर कट जो व्यू है वो है 1290 रुपए के ऊपर। अगर 1290 रुपए के ऊपर ये स्टॉक निकलता है, स्टॉक निकलने के बाद मान लीजिए इसमें जो है आइडियल सिचुएशन में आपको बता देता हूं, मान लीजिए यहां से स्टॉक निकलता है, अगर ये तो 1 पे निकल गया तब तो इसको छोड़ दीजिएगा। अगर ये स्टॉक ऊपर ही 1287-1288 पर जाके क्लोजिंग देता है और अगले दिन उसका हाई जब ब्रेक करता है हमने तब उसमें पोजीशन अपने लेनी है, अदरवाइज उसमें हमने कोई पोजीशन नहीं लेनी है। सेकंड हमारा इसमें जो है हम बेरिश तब होंगे जब ये 1250 रुपए के नीचे ट्रेड करेगा, अदरवाइज इसमें मैं तो अभी फिलहाल बुलिश हूं। तो इसमें ध्यान रखिएगा 1287 के ऊपर क्लोजिंग, मैं क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूं, 1287 रुपए के ऊपर क्लोजिंग इसमें आए और नेक्स्ट डे जो अगली कैंडल जो है वो 1287 या 1290 रुपए का लेवल जब क्रॉस कर रहा हो हमने उस टाइम एंट्री बनानी है, अदरवाइज इसमें हमने एंट्री नहीं बनानी है। नेक्स्ट हमारा जो है आईसीआईसीआई बैंक है, तो ये देखिए कंटिन्यू एक ही जो है पैटर्न को फॉलो करते हुए चला जा रहा है। जैसे ये देखिए यहाँ इसने हाई बनाया था 26 सितंबर को, हाई बनाया था 498.65 रुपए का, उसके बाद फिर ये नीचे आया। तो पीछे भी देखिए ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये देखिए जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने, ये देखिए पिछला जो हाई है इसी पर इसने सपोर्ट ले लिया है, उसके बाद ये देखिए सेम ये ऊपर गया जैसे ये ऊपर गया था, फिर ये नीचे आया, फिर ये देखिए हमने इस ये जो है हमारा ये अब रेजिस्टेंस लाइन बन गया, हमने ये रेजिस्टेंस हम ड्रॉ कर दिया। अब ये देखिए ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर ये देखिए इसने यहां पर सपोर्ट लिया जैसे यहां पर सपोर्ट लिया था, सेम कंडीशन में ये आईसीआईसीआई बैंक चलता जा रहा है। जैसे इसने यहां पर सपोर्ट लिया था ये जो इसका हाई था, अब ये देखिए इस हाई को ये जो है इसका सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस बन गया। अब ये देखिए नेक्स्ट हमारा जो है, अब इसने ये हाई इसका जो बना था 29 अक्टूबर को 482 रुपए का, अब उसके बाद फिर इसने यहां सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर 482 रुपए का लेवल तोड़ा, अब ये जो है मुझको लगता है फिर यहां पर सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेके फिर जो है ये जो हाई है ये वाला हाई नियर अबाउट 507 से 509 रुपए का, अगर ये हाई फिर क्रॉस करेगा फिर हमको एक मूवमेंट देखने को मिलेगी। और अदरवाइज सेकंड इसमें सिचुएशन ये रहेगी, अगर ये 480 का लेवल ब्रेक करता है,
480, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 480 का लेवल अगर ब्रेक करता है तब हम इसमें पोजिशनल जो है 460 का हमारे इसमें टारगेट रहेगा। अदरवाइज अभी इसमें ट्रेड कोई मत लीजिए। सेकंड जो है ये देखिए, मैंने ऊपर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, और क्लोजिंग देता है नियर 500 के ऊपर क्लोजिंग देता है, और नेक्स्ट डे जो है 500 रुपए को अगली कैंडल क्रॉस करती है, तब जाके हमें इसमें ट्रेड लेना है। अदरवाइज इसमें सिचुएशन ये रहेगी कि ये स्टॉक जो है यहां पर आए 480 पर, आए 480 पर आके ये यहां पर जो है एक हैमर कैंडल बनाए, और हैमर कैंडल बनाने के अगले दिन जब उसको क्रॉस करे तो उसमें एंट्री लें, तो हम उसमें एक अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। तो मेरी बातों को आप ध्यान से सुना करिए, मैं इसमें आपको साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस भी बताते रहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करते हैं। तो मेरी बातों को ध्यान से सुना करिए, स्टॉक की एनालिसिस भी देखते रहा करिए। अब ये देखिए, ये जो IDFC फर्स्ट, जैसा कि मैंने आपको पिछले एक स्टॉक बैंक ऑफ बड़ौदा में बताया था कि जो है चैनल जो होता है, तो ये भी ये देखिए सेम जो है, यहां पर भी अगर मैं एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये भी नियर अबाउट एक चैनल की तरह ही वर्क कर रहा है। सॉरी, ये देखिए, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब ये देखिए, इसने जो है 46 रुपए से ये आया जो है 40 रुपए, 40 रुपए से फिर 45, 46 रुपए, फिर 40 रुपए। अब ये देखिए, जब ये सेकंड टाइम यहां पर आया तभी ये हमारा यहां पर डबल टॉप बन गया। अब डबल टॉप बनने के बाद फिर आप यहां पर ये देख सकते हैं, ये देखिए कितना अच्छा एक हैमर कैंडल बनाया है, ठीक है। यहां पर तो इसने एक डोजी टाइप की कैंडल बनाई है और अगला हैमर कैंडल बनाया है, तो यहां पर हमारा कंफर्मेशन हो गया कि अब हमने जो है स्टॉक ये जो है ऊपर की तरफ जाएगा। एक तो डबल बॉटम है, सेकंड जो है ये डोजी के बाद इसने हैमर बनाई है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न भी जो है आप जरा ध्यान से देखिए कि मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे काम करता है, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। तो यहां पर जो है ट्रेड लेने के बाद ये देखिए, फिर इसने नियर अबाउट ये लेवल टच किया 45-46 का, फिर जो है यहां पे आया है, फिर ये देखिए हैमर बनाया है, फिर इस लेवल सस्टेन होते हुए फिर ये नीचे आ गया है। अब नीचे भी मैं आपको दिखा देता हूं, नीचे से एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है, जहां मेरा माउस जा रहा है इसको ध्यान से देखिए, तो ये ट्रेंड लाइन चली आ रही है। तो इसने इस पर सपोर्ट लिया, क्योंकि जब एक सपोर्ट टूटता है तो स्टॉक को दूसरा सपोर्ट की जरूरत होती है, और उस सपोर्ट को हमने पहले से ही अपनी तैयारी करके रखनी है कि वो सपोर्ट उस स्टॉक को किस लेवल पर कहां पर मिल सकता है। तो इसलिए जो है, जैसे हम एक स्टॉक का हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं, तो उसके बाद जो है हमने उसके नीचे एक सपोर्ट और देखना है कि नेक्स्ट सपोर्ट ये स्टॉक कहां पर ले सकता है, या नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये स्टॉक कहां पर ले सकता है। तो हमने अपनी तैयारी पहले से करके रखनी है। तो ये देखिए, इसने यहां पर सपोर्ट लिया, कितनी अच्छी कैंडल बनाई, ये देखिए। आप अगर कैंडलस्टिक पैटर्न जानते होंगे तो आप ये अच्छे से बता देंगे कि ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है, वो भी बिल्कुल सपोर्ट पर, ठीक है। तो फिर अब क्लियर कट है कि ये बुलिश एंगल्फिंग जो है एक बुलिश साइन होता है। तो ये देखिए जो है, इसने जो है 39 रुपए से फिर सीधा जो है टेस्ट किया 46 रुपीज। अब ये हमको जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, ये हमको जो है एक सपोर्ट मिल चुका है। एक सपोर्ट तो हमारा ये है, और सेकंड जो है इसने यहां पर सपोर्ट लिया था, तो लाजमी है कि इस बार भी इसको यहां पर सपोर्ट लेना ही चाहिए। तो देखिए, इस बार भी सेम कंडीशन वही हुई, यहां पर ये देखिए जो मैंने सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके रखी हुई, इसने इस सपोर्ट लाइन को फिर तोड़ा, और यहां पर देखिए, यहां जैसे आप देख सकते हैं ये कैंडल देखिए, ये भी एक जो है इसने हैमर टाइप की कैंडल बनाई, बट ये कैंडल का जो रेंज है ये काफी हाई था। हमने रेंज पर भी ध्यान देना है, ये 36 रुपए और 40 रुपए, तो ये नियर अबाउट 5% की एक कैंडल हो गई। तो 5% की कैंडल नहीं, हमने ज्यादा जो हमारी हैमर कैंडल होनी चाहिए वो 1 से 1.5% हो, इससे ज्यादा ना हो, तब हम उसके ऊपर ट्रेड बना सकते हैं। या फिर जब ये स्टॉक जो है इस पर्टिकुलर प्राइस को क्रॉस करता है 40 से 75 पैसे को, तब हम इसमें स्टॉक अपना ट्रेड बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो है 4-5-6 दिनों तक यहां पर कंटिन्यू सस्टेन करता रहा, उसके बाद फिर जो है इसने यहां पर भी इसने देखिए छोटे छोटे ये बनाया ना, 1.5% के यहां पर हैमर कैंडल बनाई है। उसके जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, शून ये देखिए 45 रुपीज पर फिर ये स्टॉक पहुंचा, ठीक है। तो अब ये स्टॉक जो है यहां पर देखिए, अब अगर कल की डे, कल ये 43.80 रुपीज 44 का लेवल क्रॉस करता है, फिर आप इसमें जो है 45 और 46 के लिए ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज ये फिर नेक्स्ट टाइम जो है, ये फिर जो है इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो है, आशा करता हूं कि मैं जो आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जो बता रहा हूं, जो
स्टॉक के बारे में एनालिसिस करके बता रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चन की रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अब ये देखिए, जैसा कि मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में चैनल के बारे में बता रहा था कि एक अपवर्ड में चैनल होता है, एक डाउनवर्ड में चैनल होता है, तो मैं एक सपोर्ट जो है मैंने ड्रॉ करा था, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ये देखिए, जैसे ये देखिए, ये एक चैनल में चल रहा है, ये है अपवर्ड का चैनल। ठीक है, ये अपवर्ड में जा रहा है। सेकंड, ये देखिए, अब मैं आपको मल्टी कन्फर्मेशन के बारे में बताता हूं। ये देखिए, एक हमने ये जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, ये देखिए ऊपर से जो आ रही है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, सेकंड जो है हमारा ये चैनल काम कर रहा है। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये चैनल के रेजिस्टेंस पर भी पहुंच चुका है। ठीक है, एक कंफर्मेशन, सेकंड कंफर्मेशन, ये ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है, और थर्ड सबसे बड़ी कंफर्मेशन, ये जो इसने जो है बेरिश कैंडल जो बनाई है, ये देखिए इसको, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। तो यहां पर तीन कंफर्मेशन हो चुकी है इंडसइंड बैंक में अपने पास। तो अब हमारे पास हमने इसमें अब क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अब ये जो है, ये देखिए, दो दिनों से जो है 1438 रुपए पर ही सपोर्ट दे रहा है। इसने जो है पिछला भी जो लो लगाया 1437 रुपए का लगाया, 38 रुपए का, और आज का भी जो लो लगाया 1437 रुपए का। तो इसमें आइडियल सिचुएशन ये बनेगी, 1437 रुपए के नीचे जैसे ही ये स्टॉक ट्रेड करना चालू करेगा, इंट्राडे वाले इसमें जो है नियर अबाउट 20 से 25 रुपए प्रॉफिट लेकर यहां बुक कर सकते हैं। क्योंकि ये देखिए, यहां देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहां पे एक जो है सपोर्ट बनेगा इंट्राडे वालों के लिए। ठीक है, और पोजीशन वाले जो है इसको पूरा यहां तक लेके आइए। ठीक है, चैनल को पूरा करिए, चैनल जो है पूरा अपने चैनल में चलता है। जैसे ये देखिए, ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसने ऊपर वाले चैनल के ट्रेंड लाइन को सब टच किया, फिर इसने नीचे टेस्ट किया, फिर इसने अभी ऊपर टेस्ट कर दिया है। तो यहां पर हमारे पास तीन कन्फर्मेशन है, तो हम इस तीन कन्फर्मेशन के बिहार पे ट्रेड करेंगे। और जो चौथा कन्फर्मेशन भी आपको बता देता हूं, ये देखिए, जो हमारा RSI है, RSI भी हमारे जो है बिल्कुल हायर लेवल पर जो है नियर अबाउट 60 से 70 के बीच में जो है ये है। तो यहां पर हमारे पास चार कंफर्मेशन है, इसमें भूल कर भी अभी मेरे दोस्तों हाई अपना बाइंग का पोजीशन मत बनाइएगा। जहां तक मेरा ख्याल है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, आप अपने एनालिसिस भी कर लीजिएगा, शायद मैं 90% भी गलत हो सकता हूं, ऐसे कुछ नहीं है कि मतलब नहीं जो मैंने बोल दिया शायद वही होगा, नहीं, क्या पता इसमें कोई न्यूज आ जाए या फिर कोई ऐसी मार्केट में कुछ हलचल हो जाए कि स्टॉक ऊपर निकल जाए। बट आइडियल सिचुएशन 1437 रुपए के नीचे इसमें मेरा क्लियर कट सेल का है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है कोटक बैंक। तो कोटक बैंक देखिए, ये भी एक चैनल को ही फॉलो कर रहा है। ये देखिए, यहां देखिए, एक 1640 रुपए और नीचे जो है 1550 रुपए, इस 90 रुपए की रेंज में घूम रहा है। ये देखिए, ये 1550 पे आया, फिर 1640 पे, 1550, फिर 1640। अब ये जो है, अब इसमें आप कुछ मत करिए, अब इसको जो है आप 1550 के लेवल पर आ लेने दीजिए। जैसे ही 1550 के लेवल पर आता है, यहां पर आपको कोई डोजी टाइप की कैंडल मिलती है, उसके बाद कोई हैमर मिलता है, तो उसमें आप सीधा बाइंग पोजीशन आप बना सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे होंगे, आशा करता हूं कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। अभी इसको कुछ मत करिए, अभी इसको 1550 के लेवल पर आ लेने दीजिए। क्या पता ये 1550 लेवल आने के बाद इसमें कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए। और मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूं, अगर ये 1550 का लेवल तोड़ता है तो हमारे पास ये देखिए, ये मैंने एक नीचे से जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, शायद आपको दिख रहा होगा, मैं इसको और थोड़ा थिक कर देता हूं तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये मैंने इसको और थिक कर दिया, अब शायद आपको दिख रहा होगा। तो ये देखिए, मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है। तो इसमें जो है, अगर ये 1550 का इसमें कोई मान लीजिए नेगेटिव न्यूज आ गई, ठीक है, और 1550 का इसने 1540 1550 का ये जो है ये सपोर्ट है, अगर 1540 1550 को ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है इसको 1500 रुपए पर मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 1500 रुपए पर हमको जैसे ही मिलता है तो उसमें हमारी आइडियल सिचुएशन ये रहेगी, यहां पर कोई डोजी कैट हैमर बने या फिर सीधी कोई हैमर कैंडल बने, और उसके बाद फिर हैमर कैंडल को कोई अगली कैंडल क्रॉस करती है, तो उसमें आप बहुत कंफर्टेबली उसमें आप जो है बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। वैसे अगर आप पोजीशन लेना चाहें 1540 1550 के बीच में पोजीशन ले सकते हैं, छोटा स्टॉप लॉस रखकर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है पंजाब नेशनल बैंक है। तो पंजाब नेशनल बैंक भी देखिए, ये देखिए एक रेजिस्टेंस यहां पर बना के रखा हुआ है। यहां पर पहले भी इसने रेजिस्टेंस लिया था 64 रुपए पर, उसके बाद फिर ये देखिए नीचे एक ट्रेंड लाइन जो है। तो यहां पर देखिए, मैं आपको एक यहां पर सपोर्ट लाइन यहां ड्रॉ कर दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर सपोर्ट ले रहा था, यहां सपोर्ट ले रहा है, यहां सपोर्ट ले रहा है,
तो मैं आपको पीछे से ही एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, थोड़ा टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये स्टॉक यहां से ऊपर गया, उसके बाद फिर यहां पर ये नीचे आया, ठीक है। अब ये हमको बिल्कुल यहां पर सपोर्ट पर मिला हुआ है, ये सपोर्ट पे है और जो हमारा RSI भी नियर अबाउट 20 से 30 के बीच में है। और नेक्स्ट जो है हमको ये ट्रेंड लाइन हमको एक मिल गई। जब ट्रेंड लाइन मिल गई उसके बाद जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ 61 रुपए ब्रेक होने के बाद सीधा देखिए इसने 65 रुपए टेस्ट किया। तो यहां पर देखिए जो है, एक तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट मिला, सेकंड इसको जो है सपोर्ट मिला वो जो ट्रेंड लाइन का मिला, थर्ड हमको मिला RSI का सपोर्ट मिला। तो हमको यहां पर तीन हमको मल्टी कन्फर्मेशन मिल गई, तो इसलिए हमने यहां पर बाइंग पोजीशन बनाई थी और बाइंग पोजीशन हमने 65 पर अपनी जो है स्क्वायर ऑफ कर दी थी। तो ये होती है प्राइस एक्शन, इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। इसके बारे में आपको बहुत डीपली जो है सीखना पड़ेगा अगर स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है। नेक्स्ट हमारा जो है RBL बैंक, ये देखिए मैंने आपको 325 रुपए के 324-25 रुपए के ऊपर मैंने आपको दिया था और शायद 350 पर मैंने इसको प्रॉफिट भी बुक करा दिया था। अब जो है हमारा ये देखिए, अब ऊपर से जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, एक तो उसने ट्रेंड लाइन क्रॉस कर दिया है, सेकंड जो है यहां पर देखिए एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन का जो है रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है। अगर ये स्टॉक 360 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देता है, उससे पहले मैं आपको बता दूं यहां पर जो है मैंने आपको एक डाइवर्जेंस के बारे में बताया था, कलर चेंज करके बताया था, हमें डाइवर्जेंस के बारे में बताया था कि ये स्टॉक जो है डाइवर्जेंस नीचे से बना रहा है। ये देखिए डाइवर्जेंस, ये स्टॉक नीचे आ रहा था और RSI हमको ऊपर की डायरेक्शन हमको दिखा रहा था। तो मैंने आपको इसलिए मैंने यहां पर दिया था, मैं कहा इसमें जो है एक अच्छे टारगेट के लिए आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो 325 रुपए से मैंने आपको दिया था, 350 से प्रॉफिट बुक कराई थी। अब अगर ये 360 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देता है तो इसमें हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 410 रुपए। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे ही 460 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देता है, नेक्स्ट 460 की जो क्लोजिंग दिया है उस कैंडल को क्रॉस करता है, तो इसमें आप इसमें बहुत आराम से 410 रुपए के लिए पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है SBI बैंक भी देखिए, ये देखिए एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी, इसको क्रॉस किया, फिर जो है अभी यहां पर ये देखिए एक रेजिस्टेंस लेवल मैंने यहां ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है, ये डबल ड्रॉ हो जाते हैं। तो मैं दोस्तों अभी जो है ये जो है ट्रेड कर रहा है 333 रुपए पर, अभी मेरे हिसाब से इसको 340 रुपए से पहले बिल्कुल मत छेड़िए। अगर आप इसमें बाइंग पोजिशन बनाना चाहते हैं तो जब ये 340 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देता है तब इसमें जाकर आप इसमें ट्रेड बनाइए, अदरवाइज इसको अवॉइड करिए। सेकंड जो है 322 रुपए के नीचे अगर ये स्टॉक ट्रेड करने लग जाता है तब आप इसमें जो है 314 रुपए के लिए ट्रेड बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है यस बैंक। तो यस बैंक देखिए, मैं सारे वीडियो में एक ही बात कहनी पड़ रही है कि ये जो इसने कैंडल बनाई हुई है 31 अक्टूबर की, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि यहां पर जो है अभी ये स्टॉक जो है 10 से 12 दिन इसी के बीच में जो है सस्टेन करेगा, उसके बाद जब ये लेवल तोड़ेगा हम इसमें तब पोजीशन बना सकते हैं। तो अभी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 दिन, तो 15 दिन से जो है इसी कैंडल के बीच में जो है कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, बस इसी के बीच में घूम रहा है। तो इसमें मेरा क्लियर कट व्यू था कि अगर जब ये यस बैंक जो है 80 रुपए या 79 रुपए का लेवल क्रॉस करके क्लोजिंग जब देता है तब इसमें हम जो है नियर अबाउट हमारा, तब उसमें हमारा टारगेट रहेगा 90 रुपए का और नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 108 रुपए का। तो अभी जब तक ये इसका रेंज ब्रेक नहीं होता है तब तक इसमें जो है ट्रेडिंग करने से बचिए। बाकी मेरे दोस्तों से आग्रह है, जो भी मेरे नए दोस्त इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मैं बहुत जल्दी इसमें जो है टेक्निकल के बारे में पूरा एक सीरीज लेकर आने वाला हूं। सॉरी मेरे को ना थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, थोड़ी ट्रेनिंग के लिए कभी मेरे को हरियाणा जाना पड़ता है, कभी पंचकूले, कभी चंडीगढ़, जो है मैं पर्सनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूं, मतलब मैं ग्रुप ट्रेनिंग नहीं अभी देता हूं, जैसे मतलब 50 लोगों को 100 लोगों को वो जो ट्रेनिंग मेरी होती है 50 या 100 लोगों की ट्रेनिंग, वो मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसका मैं कोई भी चार्ज नहीं करता हूं, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री होती है वो। अगर उसमें आप आना चाहें तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, मैं आपको जो है टाइम और डेट बता दूंगा कि महीने वो 1 या 2 दिन मैं उसको ऑर्गेनाइज करता हूं। फिलहाल मैं जो है अभी पीछे 4-5 दिन से पर्सनल ट्रेनिंग में था, वो मेरी पर्सनल ट्रेनिंग होती है, मैं 2 दिन की ट्रेनिंग देता हूं और जो है
कंप्लीट उसमें कोर्स ए टू जेड बिल्कुल लाइव होके उसमें समझाता हूँ, बताता हूँ। उस ट्रेनिंग को करने के बाद मेरे हिसाब से आप लॉस करना बंद कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।